हाय एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास टू से गुलमोहर बुक। ओके, हमारी बुक का नाम है गुलमोहर और इसका पार्ट एक है अच्छे काम करूं। ओके, ये एक कविता है और इस कविता में क्या बोलना चाहते हैं कवि और क्या समझाना चाहते हैं हम ये देखेंगे। इज दैट क्लियर? हमारी फर्स्ट लाइन है सदा सवेरे उठा करो। इसका क्या मतलब होता है कि हमें हमेशा, सदा का मतलब होता है हमेशा, हमें हमेशा सुबह सुबह यानी कि प्रातःकाल में उठना चाहिए। प्रातःकाल किसको बोलते हैं? सूर्य उदय से पहले, है ना, सूर्य उदय से पहले या सूर्य उदय के समय हमें उठना चाहिए। ठीक, जल्दी से उठना चाहिए। इसके बाद है ध्यान लगाकर पढ़ा करो। क्या लिखा है इसके बाद? ध्यान लगाकर पढ़ा करो। ध्यान लगाकर पढ़ा करो का मतलब जब आप कोई भी पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो, तब आपका पूरा फोकस, आपका पूरा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? अपनी पढ़ाई में। और आपको पता है जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं ना, वो लोग जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लेते हैं, उनका माइंड बहुत तेज़ होता है। इसीलिए हमेशा सुबह उठकर पढ़ना चाहिए। सुबह उठकर जो चीज़ हम पढ़ते हैं ना, वो हमको बहुत अच्छे से याद रहती है। ओके, इसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन है दांत साफ नित किया करो। अब इसका मतलब क्या होता है? रोज़ सुबह तो जल्दी उठ गए, ध्यान लगा के पढ़ाई भी कर ली, लेकिन अब जब पढ़ा हुआ अपने टीचर को सुनाओगे जाके, और वो जैसे ही आप उनको बोलने के लिए अपना मुंह माउथ ओपन करोगे, वैसे ही आपके माउथ से स्मेल आएगी, तो ये तो गंदी बात है। तो इसीलिए इस कविता में क्या बता रहा है कि आपको हमेशा अपने दांत डेली सुबह उठकर अच्छे से साफ करना चाहिए, रोज़ आपको ब्रश करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लाइन नख मत बढ़ने दिया करो। अब इसका मतलब क्या होता है? नख का मतलब होता है नाखून। हमें अपने नाखूनों को, नेल्स को बढ़ने नहीं देना चाहिए। ठीक है, अपने नेल्स को हमें वीकली कट करना चाहिए। इतना समझ में आया आप सबको? आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, हमें हमेशा सुबह जल्दी उठना चाहिए, ध्यान लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, डेली ब्रश करना चाहिए और अपने नाखूनों को वीकली हफ्ते में एक बार काटना चाहिए, है ना। ये है हमारी अच्छी आदतें। अब इसकी लाइन, इसकी जो आगे की लाइन्स है ये भी हम क्लियर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नाउ बाय बाय, कीप स्माइल।